हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्जाम। आज है 25 सितंबर, आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रोग्रेस अवार्ड मिला है? तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रोग्रेस अवार्ड यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए SDG प्रगति SDG प्रोग्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री हसीना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर है। SDSN मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की स्थापना यह 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में की गई थी। विकास अर्थशास्त्री जेफ्रे सेप्च के नेतृत्व में SDSN सतत विकास के लिए व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को जुटाना चाहता है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ की राजधानी ढाका, मुद्रा टका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति ये अब्दुल हमीद हैं। हाल ही में 400 डेज पुस्तक का ट्रेलर जारी किया गया, यह किसकी पुस्तक है? तो 400 डेज यह पुस्तक किसकी है? तो यह चेतन भगत की पुस्तक है जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। चेतन भगत को 8 अक्टूबर 2021 को अपना नया उपन्यास शीर्षक 400 डेज रिलीज करेंगे। इसके लिए उन्होंने कवर भी जारी किया है। द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला में यह तीसरा उपन्यास है। इस उपन्यास में सस्पेंस, मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं और सबसे बढ़कर एक माँ का भी कभी हार ना मानने की दृढ़ संकल्प की कहानी है। हाल ही में किस देश के द्वारा बिटकॉइन के संस्थापक की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो बिटकॉइन के संस्थापक के प्रतिमा का अनावरण यह हंगरी के द्वारा किया गया। हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोता की प्रतिमा का अनावरण किया। तो बिटकॉइन के संस्थापक ये हैं सातोशी नाकामोता। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। बिटकॉइन जो कि डिजिटल मुद्रा है उसके निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाली यह दुनिया भर में पहली ऐसी प्रतिमा है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया। स्टैचू का निर्माण जो है यह रेका गेर्जली और तमस गिली ने किया है। उन्होंने एक मानवीय रूप को चित्रित किया है और नाकामोता की गुमनामी पर खड़े उतरे हैं। कोई नहीं जानता कि वे कैसे दिखते हैं। हाल ही में किसने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जीता है? तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 यह मलाम्बो एंग कुका ने जीता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने वार्षिक गोलकीपर्स अभियान के हिस्से के रूप में अपने वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की है। गोलकीपर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए फाउंडेशन का अभियान है। 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड यह फुमजिले मलाम्बो एंगगुआ संयुक्त राष्ट्र की पूर्व अवर महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक हैं। 2021 प्रगति पुरस्कार या कोलंबिया से जेनिफर कोलपास को उनके काम के लिए जो स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुधार के आसपास केंद्रित है उसके लिए मिला है। और 2021 का अभियान पुरस्कार या लाइब्रेरिया की सट्टा शेरिफ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपने काम के लिए उन्हें दिया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोजे गए एक क्रेटर को किसका नाम दिया गया है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोजे गए एक क्रेटर का नाम यह मैथ्यू हैंसन के नाम पर दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है जो 1909 में दुनिया के शीर्ष खड़े होने वाले पहले लोगों में से एक थे। तो दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने वाले लोगों में से एक मार्क मैथ्यू हैंसन के नाम पर इसका नाम दिया गया है। चंद्रमा के क्रेटर का नाम दिया गया है। क्रेटर का नाम हैंसन के नाम पर रखने का प्रस्ताव जॉर्डन ब्रेटफेल्डर द्वारा रखा गया था जो ह्यूस्टन में लूनर एंड प्लानिटरी इंस्टीट्यूट के साथ एक एक्सप्लोरेशन साइंस समर इटर्न है। हैंसन एक अनुभवी अन्वेषक और कुशल बढ़ई और शिल्पकार थे। वह लगभग एक दर्जन आर्कटिक अभियानों
की अग्रिम पंक्ति में शामिल थे, जो रॉबर्ट पियरी द्वारा 18 वर्षों की अवधि में आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला अभियान भी शामिल था। उस अभियान का अंतिम पुश हैंसन द्वारा बनाया गया था। उनका जन्म 1866 में मैरीलैंड में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना यह 28 जुलाई 1919 को हुई थी और इसके अध्यक्ष इविन वेन डियोस्क हैं। हाल ही में पीएफआरडीए ने 1 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है? तो 1 अक्टूबर 2021 को पीएफआरडीए के द्वारा यह मनाया जाएगा एनपीएस दिवस, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस मनाया जाएगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस के रूप में मनाएगा। यह अभियान पीएफआरडीए द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए एक केयरफ्री आज़ाद सेवानिवृत्ति के लिए शुरू किया गया है। पीएफआरडीए इस अभियान को हैशटैग एनपीएस दिवस के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित कर रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किन्हें 2021 का चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2021 के चेंज मेकर अवार्ड से ये सम्मानित किए गए हैं फेरोज फैजा बिथर, जो कि बांग्लादेश के निवासी हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए बांग्लादेश की फेरोज फैजा बिथर को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को सम्मानित करता है जिसने व्यक्तिगत अनुभव या नेतृत्व की स्थिति से परिवर्तन को प्रेरित किया है। चेंज मेकर अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड का हिस्सा है। हाल ही में किन की नियुक्ति नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में हुई है? तो हाल ही में नागरिक उड्डयन सचिव ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं राजीव बंसल, जो कि पहले एयर इंडिया के अध्यक्ष थे। राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बंसल वर्तमान में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। वह 1988 बैच के नागालैंड कैडर के IAS हैं। बंसल एयर इंडिया से पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। यह वर्तमान विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पिछले साल फरवरी में बंसल को दूसरी बार एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा कर्ज में डूबी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बिक्री की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हुई थी। हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोता की प्रतिमा का अनावरण किया। तो बिटकॉइन के संस्थापक ये हैं सातोशी नाकामोता। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। बिटकॉइन, जो कि डिजिटल मुद्रा है, उसके निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाली यह दुनिया भर में पहली ऐसी प्रतिमा है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया। स्टैचू का निर्माण जो है यह रेखा गेरजली और तमस गिली ने किया है। उन्होंने एक मानवीय रूप को चित्रित किया है और नाकामोता की गुमनामी पर खड़े उतरे हैं। कोई नहीं जानता कि वे कैसे दिखते हैं। हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोता की प्रतिमा का अनावरण किया। तो बिटकॉइन के संस्थापक ये हैं सातोशी नाकामोता। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। बिटकॉइन, जो कि डिजिटल मुद्रा है, उसके निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाली यह दुनिया भर में पहली ऐसी प्रतिमा है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया। स्टैचू का निर्माण जो है यह रेखा गेरजली और तमस गिली ने किया है। उन्होंने एक मानवीय रूप को चित्रित किया है और नाकामोता की गुमनामी पर खड़े उतरे हैं। कोई नहीं जानता कि वे कैसे दिखते हैं। हाल ही में किसने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जीता है? तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 यह मलाम्बो एंग कुका ने जीता है।